हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सब लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास पांच कमेंट आ जाएंगे पीआरपी के कि पीआरपी के बारे में उन्हें जानना है, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा पीआरपी के ऊपर। और मेरे पास 5 या 15 के अराउंड कमेंट आ गए कि हाँ पीआरपी पे चाहिए उन्हें इन्फॉर्मेशन, और पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए पीआरपी होती क्या है, कैसे है, क्या है। तो पीआरपी की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। हाँ, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, ये पीआरपी का फुल नेम है, ठीक है। तो इसके अंदर होता क्या है, ये होती कैसे, पहले तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ इसका कि कैसे होती है, फिर बताऊंगा कितने की होती है, और फिर बताऊंगा इसका काम क्या है ना। तो कैसे होती है, इसके लिए मैंने थोड़ी बहुत ड्राइंग बनाई है, जैसे कि मैं छोटी मोटी सी ड्राइंग बनाता रहता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके लिए मैंने बुक खरीद ली है, कॉपी के ऊपर बनाता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर ये हाथ में से ब्लड लिया जाता है 100 ml, 100 ml ब्लड ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उस ब्लड को डालते हैं ट्यूब में। ट्यूब के अंदर डालने के बाद क्या करते हैं, एक मशीन होती है उसके लिए ना, ये ब्लू कलर की, इसके अंदर इसको डाल देते हैं, इसको पूरा ऐसे ऐसे डाल देते हैं, पूरा इसके अंदर चला गया यहाँ पर से, ऐसे जाने के बाद ये मशीन घूमती है इस डायरेक्शन में, देख रहे हो एरो दिख रहे है? ऐसे घूमती है और बहुत ही ज्यादा स्पीड में घूमती है, बहुत ज्यादा स्पीड में घूमती है। घूमने के बाद क्या होता है, ये ट्यूब है, इसके अंदर ब्लड डाला होता है, वो कैसा हो जाता है, दो हो जाता है, येलो और यू, ये पूरा रेड था भी ब्लड जैसा कि मैंने पिच में दिखाया। फिर ऐसे प्लेटलेट इसके अलग हो जाते हैं, ये प्लेटलेट अलग हो गए, येलो कलर का दिखता है फिर सब। फिर इस येलो कलर को वो इंजेक्शन में भरते हैं, इस इंजेक्शन में फिल किया, इस इंजेक्शन में फिल करने के बाद क्या करते हैं, वो हमारे सर के अंदर जहां पर भी हमें पीआरपी करवानी होती है ना, जैसे कि हमें पीआरपी किसी को यहां पर करवानी होती है, किसी को यहां पर करवानी होती है, किसी को इन दोनों जगह पर करवानी होती है। मेरे केस में क्या है, दोनों जगह ट्रांसप्लांट हुआ है तो दोनों जगह पर ये दिए जाएंगे। तो ये क्या होगा, जो है पीआरपी जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स सिर्फ प्लेटलेट्स जाएंगी, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएंगी। ब्लड के अंदर मिक्स होने के बाद क्या होगा, एक नॉर्मल के अंदर ब्लड के अंदर इतनी होती है प्लेटलेट्स, लेकिन जब प्लेटलेट्स डाल देते हैं तो कितनी हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर, इतनी। तो मतलब हमारा ब्लड और शक्तिशाली हो जाता है उस एरिया का। और कब तक शक्तिशाली रहता है वो, कम से कम 10 महीने से लेकर 1 साल तक उसके अंदर पावर रहती है। उसके 10 महीने से 1 साल बाद फिर से पीआरपी करवानी पड़ती है, ऐसा नहीं है तुमने एक बार पीआरपी करवा ली या हमने एक बार पीआरपी करवा ली तो सब कुछ बात खत्म हो गई, नहीं। ये हर साल का प्रोसेस है, हर साल आपको करवानी पड़ेगी, ये हर साल करवाते हैं। और मैं तो तैयार हूँ इस चीज को करवाने के लिए, बस बाल जिंदा रहने चाहिए। अच्छा, पीआरपी का काम क्या होता है ना, अब ये बात, पीआरपी का काम होता है, जो हमारे बाल होते हैं ना, छोटे छोटे बाल होते हैं, जो कमजोर बाल होते हैं, रुए टाइप बाल होते हैं, उन बालों को मोटा करता है और उसको ग्रोथ होने में मदद करता है। जैसे कि आप, जैसे मेरे साथ तो होता था कि जैसे मेरे कुछ बाल ना, सर के बाल, वो साले एक लेवल पे आने के बाद बढ़ते ही नहीं थे, उतने के उतने रह जाते थे, छोटे के छोटे। तो उनको ताकत देता है वो, और वो बड़े होते हैं बाल, बड़े होने शुरू कर देते हैं, जो छोटे के छोटे नहीं रहते, बड़े होना स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर पावर आती है क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ गई है। और इसकी कॉस्ट कितनी है, ये क्वेश्चन बहुत आ रही है, कितने में। जो मैंने अपनी तरफ से पता की थी तो एक डॉक्टर ने बोला था 10,000 तक हो जानी चाहिए आपकी 6 PRP। ये इस ट्रांसप्लांट के अंदर नहीं, ट्रांसप्लांट से अलग जब मैं करवाने आऊंगा नेक्स्ट ईयर, तो 10,000 के अंदर 6 हो जानी चाहिए। लेकिन एक बंदे ने मेरे ग्रुप के अंदर ना कमेंट डाला था, मेरी वीडियो के अंदर कमेंट डाला था, क्या बोला था उसने कि 1,000 rupees की एक PRP होती है उसके यहाँ पर, पता नहीं इसकी सिटी कौन सी है क्या है, लेकिन 1,000 rupees की 1 PRP होती है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया कि 1,000 rupees की PRP होती है एक, ठीक है, एक इंजेक्शन होता है पीआरपी का, एक सिटिंग होती है, वो 1,000 rupees में होती है। तो 1,000 rupees अपन लोग मान लेते हैं, मैं भी अपने हॉस्पिटल में आऊंगा ना तो मैं भी नेगोशिएट करूंगा, 10,000 नहीं दूंगा मैं अपने 6 PRP करवाने के 6,000 दूंगा। अच्छा, और कितनी पीआरपी बहुत रहती है, कितनी पीआरपी रहते हैं, कम से कम हमें 3 PRP करवानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 6 PRP करवानी चाहिए। वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे बाल कितने थिन है, क्या हमारे बहुत सारे बाल थिन है, क्या हमारे थोड़े से बाल थिन है, उसके अकॉर्डिंग 3 से लेकर 6 PRP के बीच में हमें पीआरपी करवानी है, ठीक है, हमें हम सबको करवानी है, ठीक है। तो इस बात के लिए तैयार रहना पीआरपी करवाने के लिए, लेकिन पीआरपी के इस भ्रम में मत रहना कि पीआरपी हमारे बाल उगाती है, मतलब कि जैसे मेरे ये टकला था मैं यहाँ पर से माथे जैसा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बाल उग जाएंगे, नहीं, यहाँ पर बाल नहीं उगेंगे। जो बाल ऑलरेडी हमारे सर के ऊपर है, जो ग्राफ्ट ऑलरेडी हमारे सर के ऊपर है, उसके अंदर जो बाल लगे हुए हैं उन बालों को वो मोटा करती है बस।
बालों को उगाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उसके अंदर हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जाए। हेयर ट्रांसप्लांट हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोग पूछ रहे थे कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की एज क्या होती है। यार, हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की एज का मतलब यही है कि अगर जो आप एडल्ट हो गए हो तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हो। 18 से लेकर 20 साल तक की हो गए आप तो उससे ऊपर आप करवा सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट। 20 साल तक तो किसी के बाल झड़ते भी नहीं है, वैसे किसी को जरूरत भी नहीं होती है ना। तो मेरे हिसाब से अगर जो आपकी ग्रेड 3 से ऊपर है, 3 या 3 से ऊपर है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए। ठीक है, समझ गए। अगर जो 2 या 2 से नीचे है, 1 या 2 है, तो आप पीआरपी का सहारा लें, अगर जो आपके बाल थिन हो गए हैं तो। ठीक है, 3 और 3 से ऊपर ग्रेड है तो ट्रांसप्लांट करवा ले आप, वरना उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगेंगे, मेरी तरह। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी, तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट पीआरपी। अगर जो आपके कुछ और क्वेश्चन होंगे तो मुझे बताना, मैं पीआरपी के बारे में और बताऊंगा। अच्छा, अगले नेक्स्ट वीक ना मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, पीआरपी के सेशन मेरा फर्स्ट सेशन होगा, तो तब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि बना लूं, वैसे तो वो अलाउड नहीं करते वीडियो बनाना, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरे ब्लड निकालने से लेकर के मशीन के अंदर उस जो मैंने डाल दिखाई थी ना, अभी क्या दिखाई थी, ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर डालने से लेकर के इस मशीन के अंदर डालने से लेकर के इस मशीन के जब तक ये ऐसा कलर हो जाता है उसका, तो उस इंजेक्शन में भर लेते हैं और फिर वो सर के अंदर इंजेक्ट करते हैं, वो सारा प्रोसेस मैं चाहूंगा कि वो कर दे, अच्छा रहेगा, आप लोगों को एकदम लाइव पीआरपी दिखेगी मेरी होते हुए। तो अब देखते हैं वो करते करने के लिए रेडी हो जाते हैं तो मैं करवा दूंगा, नहीं होते तो फिर तो बस पीआरपी का सेशन खत्म। अच्छा, आपको कुछ और क्वेश्चन नहीं है पीआरपी के बारे में तो नीचे कमेंट के अंदर डाल देना, मैं कोशिश करूंगा देने का उनका जवाब। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटा दबा दो। अब ना आप काम करो कि मेरे चैनल का जिस चीज सब्सक्राइब किया हुआ है वो घंटा दबा दो ताकि उनको लाइव नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।